बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दानिश परदेसी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। जो लोग भी मेरे चैनल दानिश परदेसी पर नए हैं, उनसे गुजारिश है कि यहाँ पर आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसे दबा दें ताकि मज़ीद दुबई विज़िट वीज़ा के हवाले से कोई भी नई अपडेट अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आए तो बर वक्त आप तक पहुँच सके, कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस न हो। बहुत ज़्यादा लोग ये पूछते हैं कि हमारा वीज़ा बार बार रिजेक्ट क्यों होता है, तो मैं उनको आज बता देता हूँ कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है। वीज़ा रिजेक्ट होने की जो पहली वजह है, पहला रीज़न है, पहला कारण है, वो आपके डॉक्यूमेंट का है। आपके डॉक्यूमेंट, मैंने हमेशा आपको कहा है कि 600 DPI के ऊपर आपने अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करवाने हैं। जो भी आपके बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, पासपोर्ट का फ्रंट बैग है, ID कार्ड का है और पिक्चर है, ये सारी चीज़ें 600 DPI और कलर फ़ोटो में करनी होती हैं। अगर आपने कलर डॉक्यूमेंट में कर दिए, फिर भी इनकी रिजोल्यूशन में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाते हैं और कलर भी इनके बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हो सकते हैं उनको डॉक्यूमेंट पढ़ने में या ये लगता हो कि यह डॉक्यूमेंट फेक है, जिसकी वजह से आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि जब भी दुबई के विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करें, सबसे पहली चीज़ जो है अपनी तस्वीर का ख्याल रखें। तस्वीर आपकी हमेशा वाइट बैकग्राउंड वाली होनी चाहिए, टाई कोट और सूट वगैरह वाली होनी चाहिए, यानी कि सूट होना चाहिए, उसके साथ टाई भी होनी चाहिए। अगर आपने सूट लगाए हुए फ़ोटो एडिट करके लेकिन टाई नहीं है, इसकी वजह से भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। ये पॉइंट आप नोट कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये कहेंगे कि हमने तो भाई सूट लगाया हुआ था लेकिन उसके साथ टाई भी ज़रूरी है, अगर टाई नहीं होगी फिर भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपने पिक्चर के ऊपर चश्मा पहना हुआ है या कोई और इस तरह का है तो फिर भी वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट आपने अच्छे से चेक करने हैं कि कोई आपका ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर कोई ऐसा टैक्स वगैरह हो जो नज़र ना आ रहा हो, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपका सही ना हो, ब्लर हो, तो वो भी डॉक्यूमेंट नहीं चलते हैं। डॉक्यूमेंट हमेशा आपके ऐसे होने चाहिए कि रीडेबल होने चाहिए और ऐसे हों कि बिल्कुल जेन्युइन लगने चाहिए। ये ना हो कि आपने इस तरह एडिट किए हुए हों कि वो सही जेन्युइन ना लगे, यह मेन रीज़न होता है वीज़ा रिजेक्ट होने का। इसके अलावा कुछ नाम का भी इशू आ सकता है, या कुछ इस वजह कुछ ये वजह होती है कि जो लोग दुबई में पहले रहकर आ चुके होते हैं, वो पास्ट हाल ही में जो दुबई में रहकर आ चुके हैं पास्ट में, उनके ऊपर कोई हो सकता है पहले फ़ाइन हुआ हो जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लें। पिक्चर हमेशा जेपिक क्वालिटी में होनी चाहिए और HD होनी चाहिए और टाई कोड वगैरह वाली होनी चाहिए। अगर इस तरह की पिक्चर नहीं होगी तो वीज़ा 100% रिजेक्ट हुआ है। जितने लोगों के भी वीज़े रिजेक्ट हुए हैं वो सबसे पहले पिक्चर को चेक करें, पिक्चर हाई प्रायोरिटी है, इसके बाद बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। आपकी पिक्चर जो है सबसे हाई प्रायोरिटी है, पिक्चर को लाजमी चेक कर लें, क्या आपकी पिक्चर इस काबिल है कि आपको वीज़ा दिया जाए। बाकी चीज़ें इतना मैटर नहीं करती हैं, सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है वो पिक्चर है। बाकी पासपोर्ट वगैरह ये चीज़ें, ये आपने 600 DPI के ऊपर स्कैन करवानी है। यह ना हो कि मोबाइल से पिक्चर बना के आप बंदे को सेंड कर दें, ऐसा नहीं करना। और कोशिश आप लोग ये करें, अगर आपका वीज़ा बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो पहले अपने डॉक्यूमेंट सारे क्लियर कर लें, उसके बाद दुबई से मैनुअल वीज़ा के लिए अप्लाई करें। कोशिश ये करें, क्योंकि मैनुअल वीज़ा जो होते हैं उसमें रिजेक्शन की जो रेशो है बहुत कम होती है बनिस्बत ऑनलाइन ट्रैवल सिस्टम के ऊपर किसी भी एजेंट की ID से अप्लाई करने वक्त। अगर आप लोग किसी भी ट्रैवल एजेंट की ID से अप्लाई करते हैं तो हो सकता है वहाँ पर 50% चांस होते हैं वीज़ा रिजेक्ट होने का, लेकिन आप लोग ICA के ऑफिस जाकर वहाँ से अगर अप्लाई करवाते हैं दुबई से, शारजा से, तो वहाँ से वीज़ा रिजेक्ट होने का चांस बहुत कम होता है। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।